अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। समस्त सूरत वासियों को मैं ब्रिगेडियर अजीत सिंह, जो 22 ग्रेनेडियर्स, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, बहादुरों की बहादुर पलटन, सौराष्ट्र एनसीसी का ग्रुप कमांडर होने के नाते मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, और तमाम शहीद परिवार जो आज हमारे बीच में हाजिर है उनको मैं नमन करता हूं। मैं आप लोगों के सामने अपनी मन की बात, अपने दिल की बात मैं बताना चाहता हूं। मुझे गुजरात के अंदर 2 साल हो गए हैं, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो देशभक्ति का जज्बा, देश को एक रखने का जज्बा, इसकी अखंडता को बरकरार रखने का जज्बा और जुनून मैंने गुजरात सौराष्ट्र के अंदर देखा है, वो मैंने कहीं और नहीं देखा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने पूरे सौराष्ट्र के अंदर विचरण किया है और लोगों की मैंने बातें सुनी है, और उसको मैं आज आपके सामने बता रहा हूं कि गुजरात के लोग कुछ अलग है। और आज इस इंडोर स्टेडियम के अंदर तकरीबन 5,000 सूरतवासी, इसका एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है, जो हमारे शहीद परिवारों को सम्मानित करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात एक संतों की और शूरवीरों की धरती है और रहेगी। आप सब लोगों के अंदर देश के प्रति अगाढ़ प्रेम है। मैंने अपने 35 साल की नौकरी में इस प्रकार का प्रेम और सत्कार किसी का भी होते हुए नहीं देखा है, जो आज मैं यहां पर देख रहा हूं। हम फौजी सिर्फ इज्जत के और प्यार के भूखे हैं। हम लोग देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें हमारे देशवासियों का प्यार और स्नेह चाहिए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमें भरपूर मात्रा में मिलता है, आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि जनरल राज मेहता साहब ने बताया कि उनका परिवार, पूरा का पूरा परिवार, वो देश की सेवा में भारतीय सेना के अंदर उन्होंने अपना पूरा परिवार दे रखा है। उसी प्रकार से हमारे बीच हाजिर मेजर जनरल सुभाष शरण, उन्होंने भी तकरीबन 37 साल की नौकरी अर्जित की है, और उनका बेटा भी आज फौज के अंदर एक कमीशन्ड ऑफिसर की नौकरी कर रहा है। तमाम लोग जो इस मंच के ऊपर हाजिर हैं, उन्होंने अपने प्राणों की न्योछावर होने का एक शपथ लिया है,
और वो हमेशा उस पल का इंतजार करते हैं। आपके सामने मेरे बाईं तरफ विराजमान है राजस्थान के झुंझुनू गांव से, धनुरी नाम के एक छोटे से मुसलमान गांव से आई हैं सायरा बानो, जो कि शहीद ताज मोहम्मद की धर्म पत्नी हैं। उनकी उम्र आज की तारीख में 102 साल है। और जब मैंने जयसुख भाई साहब से मैंने बात किया, उनका आमंत्रण आया कि परमवीर सहाय ट्रस्ट शहीदों को सम्मानित करना चाहता है, और जब मेरे आग्रह करने के ऊपर कि शहीद ताज मोहम्मद की धर्म पत्नी सायरा बानो को आप आमंत्रित करें, आप अपने लोगों से इसके बारे में पूछताछ करें, तो जयसुख भाई ने बोला कि साहब आप उनको लेकर के आइए और ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात होगी। मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूं कि इनके पति सिपाही ताज मोहम्मद 2nd बटालियन ऑफ द जाट रेजिमेंट के अंदर कार्यरत थे। इनकी शादी बचपन में, जब शायद ये 2-4 साल की होंगी, तो उस समय इनकी शादी हो गई। और गौना जो पहली मुलाकात होती है बड़े होने के बाद, वो कार्रवाई हुई। इन्होंने शायद अपने पति के साथ सिर्फ 2 दिन बिताए होंगे कि उनका बुलावा आज़ादी से पहले जो वर्ल्ड वॉर 2 विश्व युद्ध 2nd हुआ, उसके अंदर इनके पति को लड़ाई लड़ने के खातिर बुलाया गया और वो वहाँ से वापस कभी नहीं लौटे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान धर्म के अंदर आप शादी कर सकते हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन सायरा बानो दादी ने यह निश्चय किया कि मैं पूरी जिंदगी अपने शौहर जो देश के लिए शहीद हुआ है उसकी याद में मैं बिताऊंगी। और आज वो आप सब लोगों के सामने मेरे बाईं तरफ यहां पर हाजिर है। ये भारत देश हिंदुस्तान की जीती जागती एक बहुत बड़ी मिसाल है। शहीद और शहीद की पत्नी को कोई भी खरीद नहीं सकता, कोई भी उसको लालच नहीं दे सकता, लेकिन शहीद की पत्नी, शहीद का परिवार सिर्फ इज्जत के लिए और हिंदुस्तान के लोगों को एक ज्वाला, उनके अंदर एक शक्ति का संचार करने के लिए वो जीते हैं। और वो लोगों के सामने सिर्फ इसीलिए हाजिर होते हैं कि वो आपको बताए कि अगर इस देश के ऊपर किसी ने भी गलत नजर से देखा तो आदमी ही नहीं, सिर्फ महिलाएं, शहीदों की पत्नियां उस दुश्मन की आंखें बाहर निकाल सकती है। उसका जीता जागता उदाहरण आज ज्वलंत आपके सामने हाजिर है। जनरल राज मेहता साहब ने आपको बताया कि हमारी महिलाओं के अंदर कितनी ताकत है, बेशुमार ताकत है, और ये चीज हम लोगों को लड़ने के लिए बाध्य करती है। हम लोग जब दुश्मन के सामने होते हैं, हम किसी प्रकार का छुपाव या बहाना नहीं ढूंढते। देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए, लोगों की सुख और शांति के लिए, ताकि हमारा देश एक बन करके
वापस से सोने की चिड़िया बने, कोई हमारे ऊपर गलत नजर नहीं डाले, हम लोग आगे बढ़ते हैं और दुश्मन को नेस्तनाबूत करते हैं। हमारी ताकत आप लोग हैं, सिर्फ आप लोग, इसलिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं जयसुख भाई साहब का, उनके परमवीर सहाय ट्रस्ट का मैं इतना ज्यादा शुक्र गुजार हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, कि उन्होंने सूरत वासियों को इस इंडोर स्टेडियम के अंदर यहां पर इकट्ठा किया और आप लोगों की जो देशभक्ति, निस्वार्थ सेवा और दान देने की जो भावना है उसका कोई तुलना नहीं है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर ऐसी वीरांगनाओं की और आने वाले समय में और वीरांगनाएं होंगी, लोग शहीद होंगे इस देश के लिए, लेकिन ये देश की सीमाएं फौज के ऊपर टिकी हुई है और वो हमेशा बिना किसी दरार के वो बरकरार रहेगी। मैं आपको अपना पर्सनल मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, माफी चाहता हूं मंच के ऊपर विराजमान जनरल सुभाष शरण, जनरल राज मेहता साहब, तमाम शहीदों के परिवार और तमाम वीरांगनाएं, मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं कि जब मैं कारगिल की लड़ाई के अंदर एक मेजर की हैसियत से मैंने मुसलमान कंपनी का कमांड किया और 18,000 फुट के ऊपर सर्वदा शक्तिशाली और नारा तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए दुश्मन को परास्त करके और 0.5287 एक तोहफे के तौर पे दिया। मैं कई बार देखता हूं कि कुछ स्वार्थी लोग हम लोगों के बीच में, देशवासियों के बीच में फूट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन देशवासी जो है बहुत होशियार है, उनको मालूम है वो कभी जो है देश की एकता और अखंडता को टूटने नहीं देंगे, नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। मेरी धर्मपत्नी को जब मालूम चला कि सूरत के अंदर इस प्रकार का एक फंक्शन होने वाला है, तो उसने सहर्ष, वो कहीं जाती नहीं है, लेकिन उसने बोला कि अगर वीरांगनाओं का सम्मान हो रहा है सूरत के अंदर, तो मैं जरूर आपके साथ में चलूंगी, और वो आपके सामने हाजिर है। मैं ये बात बताने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आज से 20 साल पहले की एक घटना आपको बताना चाहता हूं। जब मैं कारगिल की लड़ाई लड़ रहा था, तो एक मेजर शेखावत के बारे में टीवी के ऊपर खबर आई कि मेजर शेखावत, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, वो शहीद हो गए हैं। तो हमारे घर में, यानी कि जहां मेरी पत्नी रहती थी, वहां पर रात को तकरीबन 10 बजे लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने वो दस्तक दी जो राज मेहता साहब ने बताया, और जब दरवाजा खुला तो उन्होंने ये बात बताई मेरी धर्मपत्नी को कि आप के पति मेजर शेखावत इस दुनिया में नहीं रहे, वो शहीद हो गए हैं। तो मेरी वाइफ ने, जो आपके सामने मंच के ऊपर विराजमान है, उसने उन लोगों को बोला, मेरा पति शहीद नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, और मेरा पति जो है वो मेजर अजीत सिंह है। वैसे मैं शेखावत हूं, लेकिन मेरा नाम फौज के अंदर मेजर अजीत सिंह है। तो उसने ये स्वीकार करने से मना कर दिया। और देखो, एक चमत्कार होता है कारगिल की उन वादियों के अंदर कि उस मेजर शेखावत से मेरी मुलाकात होती है और मैं अपने 100 सैनिकों के साथ में
कारगिल के मिलिट्री हॉस्पिटल में मैं जाकर के डॉक्टर्स को बोलता हूं कि सर इस मेजर शेखावत को आप वापस से रिवाइव करो, इसको जिंदा करो, क्योंकि ये हमारे देश का एक सैनिक है, एक अफसर है। और डॉक्टरों की मदद से उस शहीद मेजर शेखावत को उसके अंदर वापस से प्राण फूंके गए और वो जीवित हो गया। और उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को रिंग किया कि मेजर शेखावत, जिसके बारे में टीवी के ऊपर आ रहा है कि वो शहीद हो गए हैं, अखबारों में उनकी शहादत की कहानियां आ रही है, आप उनके घर में जाइए और उनको बताओ कि मेरे हस्बैंड मेजर अजीत ने बताया है कि मेजर शेखावत जिंदा है, वो शहीद नहीं हुए हैं, और उनके जो माता पिता अहमदाबाद के अंदर हैं उनको भी आप खबर करें कि टीवी और न्यूज़पेपर की न्यूज़ वो बिल्कुल गलत है। तो ये हम लोगों का एक जज्बा है, हम लोगों के अंदर कुछ भी कर गुजरने की एक तमन्ना है। हम कभी देशवासियों को ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आप लोगों को हमारे कारण लज्जित होना पड़े। यहाँ पर हमारे सामने स्वामीनारायण संप्रदाय के दो बड़े महात्मा संत यहाँ पर हाजिर हैं। मैं इस समुदाय के बारे में, तमाम जो समाज गुजरात के अंदर हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि एक साल पहले हमारा एक कैंप था एनसीसी का राजकोट सरदार में। मैं वहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर में मैं गया और मैंने उनसे आग्रह किया, बाल स्वामी जी से, कि मेरे 700 बच्चे पूरे हिंदुस्तान से आपके गुजरात के अंदर कैंप करने के लिए आ रहे हैं और मैं वाइब्रेंट गुजरात की एक बहुत अच्छी तस्वीर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये जो एनसीसी कैडेट्स दूत बन के आ रहे हैं इनके साथ में मैं वापस पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहता हूँ। सिर्फ मेरी 2 मिनट की मीटिंग के अंदर पूरा सरदार स्वामीनारायण मंदिर के 80 कमरों को वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनसे उनको खाली करवाया गया और तमाम जो है एनसीसी के कैडेट्स थे उनके लिए जो है वो जगह मुझे दी गई। 25 लाख रुपए शायद उन लोगों ने एक बहुत बड़े डोम का उन्होंने निर्माण किया और उसके अंदर तकरीबन 2000 लोग हर रोज बैठ सकते थे, तकरीबन 15 दिन के लिए ये उन्होंने किया। मैं नमन करता हूँ गुजरात वासियों की भावना को, आपकी निस्वार्थ सेवा और त्याग की भावना को, और इसी से हम लोगों को मिलती है शक्ति। शक्ति का संचार हम लोगों में होता है और हम लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। एक बार फिर से मैं तमाम वीरांगनाएं, उनके परिवार जो यहाँ पर हाजिर हुए हैं, और आप सब लोग जिन्होंने अपना कीमती समय दे करके इस इज्जत और सम्मान समारोह में आप हाजिर हुए हैं, आप लोगों को मैं नमन करता हूँ। जयसुख भाई और उनके पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अगर ये जज्बा रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा हिंदुस्तान वापस से सोने की चिड़िया बनेगा और एक सुपर पावर बनेगा। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।